नमस्कार दोस्तों, नव भारती परिवार में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बच्चों कक्षा 12 के 74वें संविधान संशोधन के बारे में डिस्कस करूंगी। कक्षा 12 में स्थानीय स्वशासन में आपके दो टॉपिक है बच्चों, एक ग्रामीण स्वशासन और एक नगरीय स्वशासन। आप सब जानते हैं बच्चों कि हमारे भारत में स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने के लिए दो संविधान संशोधन हुए हैं, एक 73वां संविधान संशोधन और दूसरा है आपका 74वां संविधान संशोधन। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 73वां जो संविधान संशोधन हुआ वो ग्रामीण स्वशासन से संबंधित है और 74वां जो संविधान संशोधन है वो नगरीय स्वशासन से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन 1992 में आया और नगरीय संविधान संशोधन भी 1992 में आया। ये दोनों संविधान संशोधन 1993 में पारित होते हैं। 1993 में ये पारित होते हैं, ये 23 अप्रैल को लागू होता है और 74वां संविधान संशोधन 1 जून को पारित किया जाता है। इसके लिए हमारे भारतीय संविधान में दो अनुसूचियां भी जोड़ी गई है। वो कौन कौन सी बच्चों, वो मैं आपको बताती हूँ कि 73वां जो संविधान संशोधन हुआ बच्चों, इस 73वें संविधान संशोधन के तहत जो है 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई बच्चों, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और 74वां संविधान संशोधन करने के लिए हमने भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी और अनुच्छेद 243 में जो है इनका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 243 कैसे लेकर न तक आपका ग्रामीण स्वशासन का उल्लेख करता है और 243 तय से यह छह तक आपका नगरीय स्वशासन का उल्लेख करता है। तो आज आपने देखा कि 74वां जो संविधान संशोधन हुआ 1992 में वो 1 जून 1993 को लागू होता है और इसके तहत हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद तय से लेकर यह छह तक जो है वो किसका उल्लेख मिलता है बच्चों, नगरीय स्वशासन का उल्लेख मिलता है और इस संविधान संशोधन के तहत नगरीय संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था बच्चों। तो 74वां जो संविधान संशोधन है उसके तहत नगरीय संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और जो है इसके तहत जो है निम्न अनुच्छेदों में निम्न बातें हमें देखने को मिलती है। वो क्या है वो देखते हैं हम आज के वीडियो में कि 74वें संविधान संशोधन के तहत हमारे भारतीय संविधान में कौन कौन से अमेंडमेंट हुए, 74वें संविधान संशोधन की क्या क्या विशेषताएं हैं। देखो बच्चों, पहला है त्रिस्तरीय व्यवस्था। जैसे ग्रामीण स्वशासन में 3 स्तर होते थे, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर, वैसे ही बच्चों नगरीय स्वशासन में भी त्रिस्तरीय व्यवस्था को मान्यता दी गई और कहा गया कि जहाँ 20,000 से लेकर के 1,00,000 के बीच में जनसंख्या है, पहले 10,000 थी अब 20,000 हो गई है बच्चों, 20,000 से 1,00,000 के बीच में जहाँ जनसंख्या है वहाँ पर नगर पालिका होगी, 1,00,000 से 5,00,000 के बीच में जहाँ जनसंख्या है वहाँ नगर परिषद होगी, पहले 3,00,000 था, 5,00,000 से अधिक जहाँ जनसंख्या होगी वहाँ पर नगर निगम होगा। तो त्रिस्तरीय व्यवस्था में कौन कौन सी है बच्चों, नगर पालिका, नगर परिषद और तीसरा है बच्चों नगर निगम, जिसकी डिटेल मैंने आपको बता दी है वीडियो के माध्यम से। मैंने इनकी व्यवस्था, इनके अध्यक्ष, अध्यक्षों का कार्यकाल, चुनाव प्रक्रिया, इन सब के बारे में मैंने आपको वीडियो में समझा दिया है। यहाँ पर मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हमारे 74वें संविधान संशोधन के तहत त्रिस्तरीय व्यवस्था को अपनाया गया, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, इन तीनों की व्यवस्था को हमारे भारतीय संविधान में शामिल किया गया और इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद
थ में 243 थ या 243 क्यू भी इसको कहा जाता है। इसमें नगरीय स्वशासन की त्रिस्तरीय व्यवस्था के बारे में बताया गया है। उसके बाद आती है संरचना। संरचना का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 तय में देखने को मिलता है और 243 थै या 243 जो द है और आर में जो है इस व्यवस्था का उल्लेख किया गया है और कहा गया है कि नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के जो सदस्य हैं वो संबंधित वार्ड में से पार्षद का चुनाव करेंगे और सभी पार्षद मिलकर के किसका चुनाव करेंगे, महापौर को चुनेंगे। 2009 में राजस्थान में कहा गया कि महापौर का चुनाव भी सरपंच की तरह होना चाहिए क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में सरपंच के बारे में उपबंध है कि वहाँ की ग्राम पंचायत के जो वयस्क मताधिकार प्राप्त जनता है वो जो है सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से करती है, तो महापौर और जो सभापति और अध्यक्ष है उनका चुनाव भी प्रत्यक्ष रूप से किया जाना चाहिए। लेकिन 2014 में वापस अप्रत्यक्ष रूप से महापौर का चुनाव किया जाने लगा है बच्चों। तो महापौर और अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है जबकि पार्षद का चुनाव संबंधित वार्ड के सदस्य मिलकर प्रत्यक्ष रूप से पार्षद का चुनाव करते हैं। तो पार्षद का चुनाव गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है जबकि महापौर का चुनाव, अध्यक्ष का चुनाव जो है वो जो संबंधित जो पार्षद है वो सारे मिलकर के सर किसका चुनाव करते हैं, महापौर का चुनाव करते हैं, उप महापौर को चुनते हैं। तो ये सारी संरचनाएं हमें 243 द में देखने को मिलती है। उसके बाद आता है बच्चों वार्ड समितियों का गठन। वार्ड समितियों के गठन का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 द में मिलता है या हम इंग्लिश में इसको एस भी कह सकते हैं। इसमें कहा गया है कि जो वार्ड है वो कम से कम 13 वार्ड तो होने ही होने चाहिए और प्रति जनसंख्या के हिसाब से वार्डों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। तो वार्ड समितियों का गठन कैसे होगा, वार्ड समितियों के अध्यक्ष को क्या कहेंगे, पार्षद कहेंगे और पार्षद का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। ये सारी व्यवस्थाओं का उल्लेख आपके अनुच्छेद 243 द में देखने को मिलता है। उसके बाद आता है बच्चों कार्यकाल। कार्यकाल का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 प में देखने को मिलता है और कहा गया है कि इनका कार्यकाल 5 साल होता है। जैसे ग्रामीण स्वशासन में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 5 साल का होता है वैसे ही नगरीय स्वशासन में भी इन संस्थाओं का कार्यकाल 5 साल का होता है। 5 साल से पहले अगर नगर पालिका भंग की जाती है तो क्या होगा, दोबारा चुनाव करवाए जाएंगे और जब दोबारा चुनाव करवाए जाएंगे तो शेष कार्यकाल के लिए उनका कार्यकाल नहीं होता है, आगामी 5 साल तक उसके कार्यकाल को मान्यता मिल जाती है। हालांकि मान लो 5 साल से 6 महीने पहले ही अगर नगर पालिका या नगर परिषद या नगर निगम भंग हुई है तो दोबारा चुनाव नहीं करवाए जाते हैं। मतलब जो चुनाव करवाए जाएंगे वो दोबारा क्या करवाए जाएंगे, पूरी जो 5 साल का कार्यकाल है उसके बाद का जो कार्यकाल होगा उसके अनुसार ही करवाए जाते हैं। उसके बाद आता है बच्चों आरक्षण। ध्यान रखना बच्चों ग्रामीण स्वशासन में आरक्षण का उल्लेख अनुच्छेद 243 में देखने को मिलता है जबकि आपके 74वें संविधान संशोधन के अनुच्छेद 243 टी या न में आरक्षण की बात कही गई है और कहा गया है एससी एसटी को आरक्षण दिया जाएगा, इसके अलावा महिलाओं को भी 1/3 आरक्षण का प्रावधान हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 टी में कहा गया है कि नगरीय स्थानीय संस्थाओं में भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति इन सब को आरक्षण दिया जाएगा।
उसके बाद आता है बच्चों निर्वाचन आयोग। मैंने बताया भी था राज्य निर्वाचन आयोग जो है उसके आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और राज्य निर्वाचन आयोग स्थानीय संस्थाओं के चुनावों को संपन्न करवाने का कार्य करता है। ग्रामीण स्वशासन में राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख 243 के में मिलता है। कहाँ है ये 243 यह कहने जो है जेडे में इसका उल्लेख मिलता है, जबकि वहां पर 243 के में जो है निर्वाचन आयोग का उल्लेख मिलता है। स्थानीय संस्थाओं में साफ कहा गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग होगा और इस निर्वाचन आयोग के द्वारा राज्य की जो स्थानीय संस्थाएं हैं उन सब के चुनावों को संपन्न करवाया जाएगा। इसका उल्लेख अनुच्छेद या जेडे में मिलता है। उसके बाद आता है वित्त आयोग, वाई भी बोल सकते हैं इसको। वित्त आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 वाई में मिलता है और ग्रामीण स्वशासन में 243 आई में मिलता है। ग्रामीण संस्थाओं में वित्त आयोग होगा, इसका उल्लेख 243 आई में मिलता है और नगरीय संस्थाओं के लिए वित्त आयोग होगा, इसका उल्लेख 243 वाई में मिलता है। बच्चों देखो, बच्चों वित्त आयोग का गठन इसलिए किया जाएगा कि कर जो आ रहे हैं उन करों में से कितना इन संस्थाओं को दिया जाएगा, कितना किसके ऊपर खर्च होगा, उसके लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वो संस्तुतियां प्रस्तुत करती है और अपनी संस्तुतियों के आधार पर, अपनी सिफारिशों के आधार पर इन नगरीय संस्थाओं को वित्त मुहैया करवाने का कार्य करता है। कौन? वित्त आयोग। उसके बाद आता है लेखाओं का परीक्षण। लेखाओं के परीक्षण का उल्लेख 243 यह में देखने को मिलता है। 243 ये में कहा गया है कि वित्तीय संस्थाओं को जो भी वित्त उपलब्ध करवाया जा रहा है उनका पूरा लेखा जोखा होना चाहिए और इसी के लिए लेखाओं का परीक्षण बार बार में करवाया जाना चाहिए। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में देखने को मिलता है। उसके बाद आता है जिला योजना समिति। देखो बच्चों, इसका उल्लेख 243 जेड डी में देखने को मिलता है। देखो बच्चों, जिला योजना समिति हर जिले में होगी और इस जिला योजना समिति के द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। इसमें आपके जो जिला योजना समिति है उसमें जिले की जो समस्त योजनाएं हैं, विधानसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, सभी संबंधित सदस्य के माध्यम से क्रियान्वयन या कार्यक्रम तैयार करवाए जाते हैं। जिला योजना समिति का आज हमारे स्थानीय स्वशासन में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। तो जिला योजना समिति का उल्लेख मिलता है जेड डी में। उसके बाद आता है महानगर योजना समिति। महानगर योजना समिति का उल्लेख 243 जेड ई में देखने को मिलता है। दोनों ही इम्पोर्टेंट है बच्चों, कई बार एग्जाम्स में, कंपटीशन एग्जाम्स में भी इस बात का खुलासा हो गया है। कई बार ये सवाल पूछा गया है कि जिला योजना समिति का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है। तो आपका आंसर होगा बच्चों जेड डी में जिला योजना समिति और जेड ई में महानगर योजना समिति का उल्लेख देखने को मिलता है। एक बार देख लीजिए, त्रिस्तरीय व्यवस्था का उल्लेख 243 क्यू में है, संरचना का उल्लेख 243 आर में है, वार्ड समितियों के गठन की बात 243 एस में है, कार्यकाल का उल्लेख 243 पै में है, आरक्षण का उल्लेख 243 टी में है, निर्वाचन आयोग का उल्लेख जेडे में है, वित्त आयोग का उल्लेख 243 वाई में है, लेखाओं के परीक्षण की बात 243 य में है, जिला योजना समिति का उल्लेख जेड डी में है और महानगर योजना समिति का उल्लेख जेड ई में है। ये हमारे 74वें संविधान संशोधन के अनुच्छेदों में इन बातों का संवैधानिक प्रावधान किया गया है। अब बात आती है बच्चों कि ये जो 18 विषय नगरीय स्थानीय संस्थाओं को दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं। ये 18 विषय बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार इनमें से भी क्वेश्चन
पूछे गए हो और कक्षा 12th के विद्यार्थी एक शॉर्ट नोट्स के माध्यम से इनको समझ सकते हैं और इन्हीं को ब्रीफ करके एग्जाम में लिख सकते हैं, काफ़ी अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। इसके लिए आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए बच्चों। देखो बच्चों, 18 विषय कौन कौन से हैं। पहला, नगरीय योजनाएं बनाना, नगर में किस प्रकार का विकास किया जा सकता है इसके लिए योजनाएं तैयार करने का कार्य करता है नगरीय स्वशासन। भूमि उपयोग, कहाँ पर भवन निर्माण करवाना है, कहाँ पर पार्क बनवाना है, कहाँ पर जो है पानी की प्रबंधन की व्यवस्था करनी है, नालियों की व्यवस्था किस प्रकार करनी है, ये सब कार्य करता है। तीसरा, आर्थिक व सामाजिक विकास की योजनाएं बनाती है कि नगर का आर्थिक विकास कैसे हो, सामाजिक विकास कैसे हो, इसके लिए योजनाएं बनाने का कार्य भी आपका नगरीय स्वशासन करता है। इसके अलावा सड़कें व पुलों का निर्माण करने का कार्य करता है। जल आपूर्ति की व्यवस्था, वाणिज्यिक उद्योग में जल आपूर्ति कैसे करनी है, औद्योगिक क्षेत्र में कैसे करनी है, घरेलू क्षेत्रों में किस प्रकार पानी व जल की आपूर्ति करनी है, कितनी मात्रा में उपलब्ध करवाना है, ये सब देखने का कार्य भी नगरीय संस्थाएं करती है। उसके बाद आता है लोक स्वास्थ्य, लोगों के स्वास्थ्य को किस प्रकार अच्छा बनाए रख सकता है और स्वच्छता का प्रबंधन कैसे करना है, कूड़ा कचरे को कहाँ डालना है, किस तरीके की व्यवस्था करनी है ताकि शहर जो हमारा नगर है वो साफ सुथरा रहे, इसकी व्यवस्था करने का कार्य भी नगरीय स्वशासन करता है। उसके बाद आता है वानिकी, पेड़ पौधे कहाँ पर लगाने हैं, किस प्रकार पेड़ों को लगाने की व्यवस्था करनी है, उनमें पानी देने की व्यवस्था करनी है, ये सब कार्य भी कौन करता है, कहाँ पर पार्क होंगे, कहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, ये सारी व्यवस्थाएं करने का कार्य कौन करता है, आपका नगरीय स्वशासन करता है। विकलांग बालकों, मानसिक रूप से विमंदित बालक, कमजोर बालकों के लिए किस प्रकार प्रयास कर सकता है नगरीय स्वशासन, इसके लिए भी वो प्रयास करता है। गंदी बस्तियों को किस प्रकार समाप्त करना है, गंदी बस्तियों में आवास सुविधा, जल प्रबंधन सुविधा, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कार्य भी आपका नगरीय स्वशासन करता है। इसके अलावा निर्धनता का उन्मूलन नगरों में कैसे हो, गरीबी कैसे दूर हो, इसके लिए भी आपका नगरीय स्वशासन कार्य करता है। उसके बाद है नगरीय सुख सुविधाएं, नगर में जो जो सुख सुविधाएं प्रदान की जा सकती है, जैसे खेल के मैदान होने चाहिए, पार्कों की व्यवस्था होनी चाहिए, जगह जगह पर पानी की सुविधा होनी चाहिए, तो ये सारे सड़कें बनी हुई होनी चाहिए, तो नगरीय जो स्टेडियम होना चाहिए, इसके अलावा जगह जगह पर लाइब्रेरीज बनाई जानी चाहिए, तो इस तरह की व्यवस्था करने का कार्य भी आपका नगरीय स्वशासन करता है। इसके अलावा सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्य परक, नगर को साफ सुथरा सुंदर कैसे बनाया जा सकता है, उसकी सांस्कृतिक छवि को विश्व में कैसे ले जाया जा सकता है, सांस्कृतिक विरासत का किस प्रकार से हम संरक्षण कर सकते हैं, इन सब की व्यवस्था करने का कार्य भी नगरीय स्वशासन करता है। उसके बाद कब्रिस्तान की व्यवस्था करना, शमशान घाट को साफ सुथरा रखना, शमशान घाट में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कार्य भी आपका नगरीय स्वशासन करता है। पशुओं का ध्यान, हमारा जो नगरीय स्वशासन है, जो आवारा पशु घूमते रहते हैं उनको सही जगह पर पहुंचाने का कार्य, जो आपके गली मोहल्लों में जो भी आवारा पशु घूमते हैं उनकी उनके प्रबंधन की व्यवस्था करने का कार्य भी नगरीय संस्थाएं करती है। इसके अलावा जन्म मृत्यु का पंजीकरण करवाना है, इसके अलावा आपका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है, जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, या नगर से संबंधित जितने भी कार्यकलाप है उन सब को करवाने का कार्य भी नगरीय संस्थाएं करती है। लोक सुविधाएं, जो भी लोक सुविधाएं हैं उनको मुहैया करवाने का कार्य करती है।
उसमें आप राशन की व्यवस्था को भी शामिल कर सकते हैं। वैद्यशालाएं, औषधालयों, नगरीय संस्थाओं में जो आपकी नगरीय संस्थाएं वो ये देखती है कहाँ कहाँ पर हॉस्पिटल बने हुए हैं, उनमें सुख सुविधाएं मिल रही है या नहीं मिल रही है, कहाँ पर चिकित्सालय की स्थापना होनी चाहिए, हॉस्पिटल्स खोले जाने चाहिए, इन सब का प्रबंधन करने का कार्य भी नगरीय संस्थाएं करती है। इसके अलावा अग्निशमन सेवाएं उपलब्ध करवाने का, उनकी व्यवस्था करने का कार्य भी नगरीय संस्थाएं करती है। तो आपने देखा बच्चों, ये 18 विषय हमारे संविधान ने नगरीय संस्थाओं को उपलब्ध करवाए हैं। पहला नगरीय योजना, दूसरा भूमि उपयोग, तीसरा आर्थिक व सामाजिक विकास की योजनाएं बनाना, चौथा सड़कें व पुलों की व्यवस्था करना, जल आपूर्ति करना, लोक स्वास्थ्य व स्वच्छता का प्रबंधन करना, वानिकी वन प्रबंधन करना, विकलांग मानसिक रूप से आर्थिक रूप से कमजोर बालकों के लिए या कमजोर लोगों के लिए व्यवस्था करना, गंदी बस्तियों को सुधार करना, निर्धनता का उन्मूलन करना, नगरीय सुख सुविधाओं का विस्तार करना, सांस्कृतिक शैक्षणिक और सौंदर्य परक पहलुओं पर ध्यान देना, कब्रिस्तान की व्यवस्था करना, पशुओं का ध्यान रखना, जन्म मरण जैसे जो कार्यक्रम है, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना, ये सब कार्य करना, लोक सुविधाओं का विस्तार करना, वैद्यशालाओं की व्यवस्था करना और अग्निशमन सेवाएं उपलब्ध करवाना, ये सब कार्य करता है आपका नगरीय स्वशासन। ये बात कहता है आपका 74वां संविधान संशोधन। देखो बच्चों, मैंने जो आपको इस वीडियो में पढ़ाया है इसमें अनुच्छेद भी बता दिए हैं, कक्षा 12 के साथ साथ आगे के जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स है बच्चों, उन सब के दृष्टिकोण से आपका ये चैप्टर बहुत ही लाभदायक है, आपको बहुत ज़्यादा फायदा देने वाला है। तो आप पॉलिटिकल साइंस के सभी टॉपिक्स को क्लियर करने के लिए मेरे वीडियोस को देखते रहिए, नव भारती स्टडी सर्कल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करें ताकि मुझे वीडियो का फ़ायदा मिल सके, मुझे लग सके कि मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स देख रहे हैं। तो फॉलो मी एंड लाइक्स फॉर माय चैनल ताकि मैं समझ सकूं कि मेरे वीडियो को सब बच्चे सब स्टूडेंट्स देख रहे हैं। तो आज ही मेरे वीडियो को आप सब लाइक्स करें और मेरे वीडियो को ध्यान से देखें, समझें और कॉपी में नोट डाउन करते जाइए बच्चों। धन्यवाद।